बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस ने मुझे इब्ने शहाब से खबर दी, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ऐसे शख्स की मैयत लाई जाती जिस पर कर्ज होता तो आप पूछते, क्या इसने कर्ज की अदायगी के लिए कुछ छोड़ा है? अगर बताया जाता कि उसने कर्ज चुकाने के बेकदर माल छोड़ा है तो आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा देते, वरना फरमाते अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो। जब अल्लाह ने आप पर फतूहात के दरवाजे खोले तो आपने फरमाया, मैं मोमनों के खुद उनकी अपनी नस्बत भी ज्यादा करीब हूँ। तो जो शख्स फौत हो जाए और उस पर कर्ज हो उसकी अदायगी मेरे जिम्मे है और जो माल छोड़ जाए वो उसके वारसों का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।